नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने की नए मंत्रियों से चाय पर चर्चा। पीएम ने मंत्रियों को दिए निर्देश, कहा खुशी मनाना छोड़कर अपना नया काम जल्द सीखे मंत्री। आज कैबिनेट में 19 नए मंत्री हुए हैं इन तो रामशंकर कठेरिया, निहाल चंद सहित 5 मंत्री टीम से आउट। मोदी के कैबिनेट विस्तार के बाद अपना दल और शिवसेना में कड़वाहट। अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाए जाने से नाराज अपना दल, तो एनडीए में तवज्जो नहीं मिलने से शिवसेना ने सरकार पर साधा निशाना। यूपी में ईद के बाद प्रियंका गांधी पर फैसला संभव। भाई राहुल गांधी के लिए राजनीति के रण में उतर सकती हैं प्रियंका। यूपी चुनाव के मद्देनजर शीला दीक्षित को भी सौंपी जा सकती है अहम जिम्मेदारी। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट के बदले जाएंगे नाम। केंद्रीय कैबिनेट ने दी तीनों हाईकोर्ट के नाम बदलने की मंजूरी। आतंकियों के निशाने पर फिर राजधानी दिल्ली। खुफिया एजेंसियों का दावा, हथियारों से भरी 3 गाड़ियां लेकर आतंकी जम्मू कश्मीर के रास्ते पंजाब में हुए दाखिल। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। अंतरिक्ष में नासा की बड़ी उछाल। जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर कक्षा में किया प्रवेश। 5 साल के लंबे सफर के बाद नासा को मिली ऐतिहासिक सफलता। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रियों से चाय पर मुलाकात की। साथ ही इन मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो खुशी मनाना छोड़कर संसद सत्र की तैयारियों में जुट जाए और जल्द से जल्द अपना नया काम सीखे। इसके साथ ही पीएम ने मंत्रियों से साफ साफ कहा है कि जरूरत पड़े तो वो सीधा आकर उनसे मिले। आपको बता दें कि आज 2 साल बाद मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। कैबिनेट में 10 राज्यों से 19 नए चेहरों की एंट्री हुई है। वहीं राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रमोशन किया गया है। नए चेहरों में यूपी, एमपी और गुजरात से 3-3 और राजस्थान से 4 चेहरे लिए गए हैं। नए मंत्रियों को चुनते समय जातिगत, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को भी बेहद सावधानी से ध्यान में रखा गया है। 2 नए मंत्री जसवंत सिंह भाभोर, फग्गन सिंह अनुसूचित जनजाति से हैं। वहीं अजय टमटा, रामदास अठावले, अर्जुन राम मेघवाल, रमेश चंदम्पा समेत कृष्णा राज 5 मंत्री अनुसूचित जाति से हैं। वहीं 2 मंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से लिए गए हैं, एमजी अकबर और एसएस आहलूवालिया। कैबिनेट में 2 महिला मंत्रियों अनुप्रिया पटेल और कृष्णा राज को भी शामिल किया गया है। नए मंत्रिमंडल की खास बात ये भी है कि इसमें कृषि, मेडिकल और संविधान से जुड़े चेहरों को भी जगह दी गई है। जहां आज इन मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली है, तो वही 5 मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद निहाल चंद, रामशंकर कठेरिया, सांवरलाल जाट, मनसुख बसावा, मोहन कुंडारिया ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। और अब चलते हैं अगली खबर पर। एक तरफ जहां मोदी कैबिनेट का विस्तार किया गया, तो वहीं इसके बाद से ही अपना दल और शिवसेना में कड़वाहट देखी जा रही है। दरअसल मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है, लेकिन उनके मंत्री बनने से उनकी पार्टी और परिवार में तूफान खड़ा हो गया है। पार्टी का आरोप है कि अनुप्रिया को मंत्री बनाने के लिए बीजेपी ने पार्टी अध्यक्षा कृष्णा पटेल से बात तक नहीं की। वहीं इस मुद्दे पर कृष्णा पटेल का कहना है कि जो माँ की नहीं हुई वो मोदी की क्या होंगी, मैंने उन्हें पिछले साल ही निकाल दिया था। बीजेपी ने जिस लालच से उन्हें जोड़ा है वो जल्द ही साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि पार्टी पर वर्चस्व को लेकर माँ बेटी के बीच पटती नहीं है और अब माँ ने अपना दल की बैठक बुलाई है, जिसमें विरोध में एनडीए छोड़ने की भी बात हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने एक बार फिर रोना रोया है। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि ये मंत्रिमंडल का नहीं बल्कि बीजेपी का विस्तार है, लेकिन मोदी के पास बहुमत कब तक रहेगा। वहीं इससे पहले कल उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं कि वो किसी से भीख नहीं मांगेंगे। ठाकरे के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना आज के कार्यक्रम का बहिष्कार कर सकती है, लेकिन नाराजगी के बावजूद शिवसेना के मंत्री अनंत गीते कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए प्रियंका गांधी राजनीति में एंट्री कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो प्रियंका राजनीति में आने के लिए राजी हो गई हैं और इस पर अगले 48 घंटों के भीतर ऐलान किया जा सकता है। शुरुआत से ही प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कांग्रेस के अंदर लगातार उठ रही थी और इस पर कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी को सलाह दी थी। हालांकि यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से बाहर भी प्रचार करने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर प्रियंका ने उन्हें सकारात्मक संकेत दिए थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से एक और खबर सामने आई है कि दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को यूपी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कांग्रेस शीला को मनाने में जुटी हुई है। हालांकि शीला दीक्षित पहले ही कह चुकी हैं कि पार्टी उन्हें जो भी कहेगी वो करेंगी।
बात करते हैं अगली खबर की, जो है राजधानी दिल्ली से। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल के प्रधान सचिव और चार अन्य को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया है। आज पटियाला हाउस कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश किया गया था, जहां सीबीआई ने सभी आरोपियों की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। जांच एजेंसी ने दलील दी थी कि राजेंद्र कुमार रसूख वाले व्यक्ति हैं और उनके बाहर रहने से जांच प्रभावित हो सकती है, ऐसे में सीबीआई को 10 दिनों की रिमांड दी जाए, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड ही दी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने कल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। राजेंद्र पर आरोप है कि उन्होंने 2005 से 2007 के बीच अपनी एक कंपनी बनाकर उसे सरकारी ठेके दिलाए थे। वहीं इन सबके बीच आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सिसोदिया ने दिल्ली से 34 अफसरों के तबादले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार के लिए अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को केंद्र सरकार तबादला कर देती है। चलते हैं अगली खबर पर। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 हाईकोर्ट के नाम बदलने का फैसला लिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट को अब कोलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट को अब मुंबई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट को अब चेन्नई का हाई कोर्ट के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है। इन जगहों के नाम तो पहले ही बदल दिए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट के नाम पुराने नामों से ही काम कर रहे थे, लेकिन अब तीनों हाई कोर्ट के नाम बदलने का फैसला ले लिया गया है। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब से, जहां एक बार फिर आतंक का साया मंडरा रहा है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब और दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि जम्मू कश्मीर से 3 गाड़ियों में भारी मात्रा में हथियार भरकर आतंकी पंजाब सीमा में दाखिल हुए हैं और अब दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियों में 3 से 4 आतंकी सवार है और इनका निशाना दिल्ली है। ये सभी जम्मू कश्मीर से निकले हैं। खुफिया एजेंसियों की ओर से मिली जानकारी के बाद पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए कहा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। एक बार फिर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इतिहास रच दिया है। 5 साल का लंबा सफर तय कर आखिरकार नासा का अंतरिक्ष मिशन कामयाब हो गया है और जूनो ने सफलतापूर्वक बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। नासा की इस कामयाबी को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जुपिटर की कक्षा में पहुंचने के लिए जूनो ने 5 वर्षों में करीब 280 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया है। जूनो को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 5 अगस्त 2011 को लॉन्च किया था। जूनोयान की एवरेज स्पीड 38,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जुपिटर के करीब पहुंचने पर इसकी रफ्तार 2,66,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति ग्रह की बनावट, वहां के मौसम, चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी पृथ्वी की ओर ट्रांसमिट करेगा। जूनो यह भी पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या गैस जॉइंट माने जाने वाले जुपिटर प्लैनेट की गैस की परत के नीचे कोई पथरीला केंद्र है या नहीं। फरवरी 2018 में यह यान ग्रह की खोज पूरी कर लेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।